नमस्ते, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फूड हेल्थ एंड ब्यूटी में। आज हम बनाएंगे एग रोल, तो चलिए देख लीजिए उसकी रेसिपी। रोल की बेस के लिए यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आटा गूंद लिए हैं। यहाँ पे मैंने एक कप गेहूँ का आटा और एक कप मैदा लिया है। आप चाहें तो सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ गेहूँ के आटे से भी बना सकते हैं। सिंपल, जिस तरह से हम नॉर्मल चपाती घर में बनाते हैं उसी तरह से हल्का सा नमक दे के इसको आप गूंद लें। अब रोल की फिलिंग के लिए हमें कुछ सब्जियां चाहिए। यहाँ पे मैंने लिए हैं पत्ता गोभी, गाजर, बीन्स और कैप्सिकम और कुछ प्याज। आप चाहें तो कोई भी सब्ज़ी ले सकते हैं जो आपको इनमें से पसंद हो। तो इन सारी सब्जियों को मैंने लंबे लंबे काट लिए हैं। जो सब्जी आपको पसंद हो या फिर जो आपके पास अवेलेबल हो वही आप इस्तेमाल करें। यहाँ पे मैंने अंडा ले लिया है कुछ। इसमें हम डालेंगे नमक, थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छी तरह से फेंट के रख देंगे। अब यहाँ पे अंडे हमने अच्छी तरह से फेंट के रख दिए हैं। सारी तैयारी हमारी हो चुकी है, बस इन्हीं सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने पैन में 2 चम्मच तेल गरम कर लिए हैं। उसमें पहले हम उन सब्जियों को डालेंगे जो थोड़े पकने के लिए टाइम लेते हैं। यहाँ पे मैंने पहले बीन्स डाल दिए हैं, गाजर डाले हैं और उसके बाद कैप्सिकम। इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से सौते करेंगे, अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। आप चाहें तो इसको ढक के भी थोड़ी देर पका सकते हैं, 1 या 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पत्ता गोभी और प्याज। इसको ऐड करने के बाद हमें इसे ढकना नहीं है, इसको हम खुले में हल्का सा पका लेंगे। 2-3 मिनट के लिए आप इसको चलाते रहें। मैं ये एक क्विक रोल की रेसिपी बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें चिकन की पीसेस को भी फ्राई करके डाल सकते हैं या फिर पनीर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने नमक डाल दिया है, आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर 1/2 छोटी चम्मच और इसको अच्छे से मिला लेंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम अपनी एग रोल की जो बेस है वो बना लेंगे। इसको आप रोटी की तरह बेल लें, ना ज़्यादा मोटा बेलना है आपको, ना ही ज़्यादा पतला बेलना है, लेकिन जितने साइज़ की आप नॉर्मल रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा बड़ा बनाइएगा, क्योंकि जो रोल होता है वो थोड़ा बड़ा ही होता है साइज़ में। अब इसको एक साइड से अच्छे से मैंने सेक लिया है। दूसरी साइड को आपको पूरी तरह से नहीं सेकना है, उसको हाफ डन करके छोड़ दीजिए। क्यों, वो आगे आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारी ये जो रोटी है ये बन चुकी है, इसको हम निकाल के रख देंगे। इसी तरह से हमें सारे रोटियाँ सेक लेनी है। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने तेल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे एग जो हमने फेंट के रखा था। यहाँ पे मैं एक रोल के लिए 2 एग का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1 एग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो इस तरह से पहले हम एक पैन में अंडे को डाल देंगे और उसे फैला लेंगे जितना हमारा रोटी का साइज़ होगा। इसको पलटना नहीं है। इस तरह से जब ये आधा पक जाए और थोड़ा सा ऊपर की तरफ गीला रहे, हम वो हिस्सा चिपकाएंगे जो हमने पूरी तरह से पकाया हुआ था रोटी का, और दूसरे हिस्सा बाहर की तरफ रहेगा क्योंकि ये हमने आधा पकाया था। अब हम इसको तेल लगा के पूरी तरह से इसको पका लेंगे। अगर आप पहले से पका लेते तो अभी वो ज़्यादा क्रंची हो जाता, इसीलिए पहले हमें हाफ डन करके एक साइड रखना है, जिसको हमें बाहर की तरफ हमेशा रखना है ताकि हम इसे बाद में सेक सकें। अब हम इसको तेल लगा लेंगे, अच्छी तरह से तेल स्प्रेड कर दें इसके ऊपर। अगर आप तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, इसी तरह से दोनों साइड अच्छी तरह से पका के आप बना सकते हैं, या फिर अगर आप अंडा भी नहीं इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अंडे को स्किप कर दें। हमने यहाँ पे तेल अच्छे से लगा लिया है, अब हम इस साइड को अच्छे से सेक लेंगे। इस तरह से रोटी का दूसरा साइड तो अच्छे से पक ही जाएगा, उसके साथ साथ जो अंडे का गीला हिस्सा था हमने जिसको नीचे की तरफ रखा था वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो इस तरह से किनारों में प्रेस करते हुए आप इसको अच्छे से सेक लें ताकि इसका बढ़िया सा कलर आ जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर आ चुका है। इसी तरह से हम इसे निकाल लेंगे और बाकी का जितना भी बेस है वो भी बना के पहले रख लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बेस ले लिया है रोल का, इसको हम असेंबल करेंगे। पहले मैं यहाँ पे 1 चम्मच डाल रही हूँ मेयो,
और एक चम्मच टमाटो केचप, और एक चम्मच में डाल रही हूँ पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। यहाँ पे मैंने ये तीन तरह की सॉसेस इस्तेमाल किए हैं इसलिए क्योंकि हमने जो फिलिंग बनाई है इसकी उसमें हमने कोई भी चीज़ ऐड नहीं की है, उसमें कोई फ्लेवर नहीं है, सिर्फ नमक और काली मिर्च है। तो जो स्प्रेड है इसका उसे हमें अच्छे से लगाना है ताकि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आए। इस तरह से लगाने से आपका जो रोल है वो ड्राई भी नहीं लगेगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रीमी बन जाता है। तो इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे चारों तरफ। अब जो सब्जियां हमने फ्राई करके रखा था उसको हम डाल देंगे। आप अपनी पसंद के हिसाब से ज़्यादा या कम डाल सकते हैं, आप चाहें तो इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसको अब हमें रोल करना है। आपने देखा होगा मैंने जो फिलिंग है वो एक किनारे पे रखा था और उसको दूसरे किनारे की तरफ हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। इससे क्या होगा, जो रोल है वो प्रॉपरली सेट होके रहेगा, खुलेगा नहीं। हमारा रोल बन के तैयार है। इसको अब हम रैप कर देंगे फॉइल पेपर में, आप चाहे तो टिश्यू पेपर में भी रैप कर सकते हैं ताकि खाने के लिए आसानी हो जाए। अच्छी तरह से रैप कर लेने के बाद आप उसके पीछे के हिस्से को इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें ताकि जो फिलिंग है वो अच्छी तरह से अंदर रहे और नीचे नहीं निकले। बहुत ही ईजी है इसको बनाना, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को तो बहुत पसंद आएगा। आप इसे टमाटो केचप या फिर चिली सॉस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।